गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मौखिक अवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। ऑक्सीजन अवस्था के हमने कुछ बिंदु पढ़ लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बिंदु पॉइंट है ऑक्सीजन अवस्था के रेस्पेक्ट में आयनिक और कोवलेंट कारक। प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो विभिन्न यानी वेरिएबल ऑक्सीकरण यानी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण कहलाते हैं। जो हम पढ़ चुके हैं उसका क्या कारण है वो भी हम बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं इन सब ये वेरिएबल ऑक्सीकरण जो है वो दर्शाते तो है साथ में +3, +2, +4, +5, +6, +7 इस तरह के जो ऑक्सीकरण है इनका क्या स्थायित्व है हमने वो भी बात निकल ली थी। ये रेडोक्स प्रकृति जो लिगेंड और धातु जो है उसके तंत्र की रेडोक्स अभिक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। अब हम बात करना चाह रहे हैं कि अब ये कम ऑक्सीकरण अवस्था में किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं और अधिक ऑक्सीकरण उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में और दूसरी अवस्था हो सकती है उच्च दो प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो सकती है निम्न ऑक्सीकरण अवस्था और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था। कोई भी यौगिक जो कोई भी संक्रमण श्रेणी का तत्व है वो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में जो आयनिक यौगिक बनाता है और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में सहज संयोजक उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में जो है वो सहज संयोजक यौगिक बनाता है। देखिए हम बात करते हैं इसीलिए MnO जो होता है ये आयनिक यौगिक होता है और MnO4- जो होता है वो सहज संयोजक प्रकृति का होता है। यानी कि जैसे जैसे बढ़ता जाता है ऑक्सीकरण बढ़ता जाता है वैसे वैसे यौगिक जो है वो धातु आयन से बनने वाले यौगिक सहज संयोजक प्रकृति के हो जाते हैं और कम ऑक्सीकरण अवस्था में जो है आयनिक यौगिक बनते हैं। उसका क्या कारण है वो देखिए जैसे जैसे ऑक्सीकरण बढ़ता जाता है वैसे वैसे नाभिक की आवेश बढ़ता जाता है और आयन का आकार जो है वो छोटा होता जाता है। कैसा होता जाता है आयन का आकार छोटा होता जाता है। तो किसी भी आयन पर आकार उसका छोटा होगा और आवेश उस पर अगर बढ़ता जाएगा आवेश का मान अधिक और आकार छोटा हो जाता है तो उस पूरे आयन पर आवेश घनत्व जो है आवेश घनत्व का मान बढ़ जाता है। आवेश घनत्व क्या होता है ये आप समझ सकते हैं कि किसी भी घनत्व की बात हम करते हैं तो हम करते हैं कि प्रति इकाई जो क्षेत्रफल है उसमें उपस्थित जो जिस भी चीज की बात करते हैं वो कितनी उपस्थित है तो हम उसी की बात करते हैं। इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश जो है वो आवेश घनत्व कहलाएगा। तो अगर आकार छोटा होगा और आवेश ज्यादा होगा तो उस पर आवेश घनत्व क्या हो जाएगा ज्यादा होगा। जब आवेश घनत्व ज्यादा हो जाता है और आकार छोटा होता है तो एक हायन के नियम के अनुसार छोटे आकार और उच्च आवेश वाले धनायन जो होते हैं वो ऋणायन का पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण आसानी से कर देते हैं। क्या आसानी से कर देते हैं ध्रुवीकरण आसानी से कर देते हैं। तो आवेश ज्यादा होने के कारण और आकार छोटा होने के कारण ध्रुवीकरण की क्षमता बढ़ जाती है और ध्रुवीकरण की क्षमता जब बढ़ जाती है तो आयन नियम के अनुसार किसी धनायन द्वारा ऋणायन का ध्रुवीकरण होता है तो सहसंयोजक गुण बढ़ जाते हैं और सहसंयोजक बंध बनता है।
जो फाइनेंस नियम में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि छोटा आकार धनायन का आकार छोटा होना चाहिए, ऋणायन का आकार बड़ा होना चाहिए और आवेश घनत्व ज्यादा होना चाहिए, तो वहां पर ध्रुवीकरण बढ़ जाता है। फाइनेंस नियम के अनुसार वहां पर आयनी युग्मकों में सहसंयोजक गुण बढ़ जाते हैं, सहसंयोजक गुण बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ता जाता है, ऑक्सीजन अवस्था का मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका आकार छोटा हो जाता है, आवेश घनत्व बढ़ जाता है, इसलिए वहां पर सहसंयोजक युग्मक बनते हैं, जबकि आवेश कम होने पर आयनिक युग्मक बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व जो होते हैं वो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में बेसिक और लेस रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में क्षारीय वह कम क्रियाशील यौगिक बनाते हैं, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में अम्लीय वह अधिक क्रियाशील यौगिक बनाते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। एक कंपाउंड है MnO, एक दूसरा है MnO2 और एक तीसरा है MnO3। यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, यहां पर +4 है और यहां पर +6 है। जैसे जैसे हम बाय से डाई जा रहे हैं कंपाउंड्स में यौगिकों में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो बढ़ती जा रही है। Mn एक क्षारीय प्रकृति का ऑक्साइड है, कैसा क्षारीय प्रकृति का ऑक्साइड है और कम क्रियाशील है, यानी कि ये आसानी से टूट जाता है। MnO3 जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का ऑक्साइड है और काफी स्थायी है, और MnO2 जो होता है ये अम्लीय और क्षारीय दोनों के बीच का उभयधर्मी प्रकृति का होता है। ऐसी प्रकृति का होता है उभयधर्मी प्रकृति का होता है, अर्थात प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व जो होते हैं वो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में क्षारीय और कम क्रियाशील ऑक्साइड्स बनाते हैं, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में अम्लीय और अधिक क्रियाशील ऑक्साइड्स बनाते हैं, और तीस की ऑक्सीकरण अवस्था में मॉडरेट ऑक्सीकरण अवस्था में वो उभयधर्मी प्रकृति को बनाते हैं, जिसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ चुके हैं। नेक्स्ट संक्रमण तत्व जो होते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में उनके हैलाइड जो होते हैं हैलाइड जो है वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, और जैसे TiH3 की हम बात करें TiH4 की हम बात करते हैं, दो हैलाइड हमें ये टाइटेनियम के हैलाइड है, ये कम ऑक्सीकरण अवस्था में ये अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में स्थित है, इसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है और इसमें इसकी +4 होती है टाइटेनियम। तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ये सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, और वैसे समझ लीजिए हम पहले बात कर चुके हैं कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हैलाइड सहसंयोजक प्रकृति होते हैं और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में ये हैलाइड जो होते हैं वो आयनिक प्रकृति होते हैं, तथा निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के जो हैलाइड्स होते हैं उनकी जल अपघटन आसानी से नहीं होता, और उच्च ऑक्सीजन अवस्था वाले हैलाइड जो होते हैं वो सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, इसलिए उनका आसानी से जल अपघटन हो जाता है। इनकी हम जल अपघटन की बात करेंगे, यानी कि जल में स्थायी होता है, जल में क्या होता है स्थायी होता है, और ये क्या हो जाता है जल अपघटित हो जाता है।
ये जल में स्थायी होता है और जल अपघटित हो जाता है, ये इनके सहजन प्रवृत्ति के कारण ही होता है। यानी कि प्रथम संक्रमण कहने के हैलाइड जो होते हैं, तत्वों के हैलाइड होते हैं, वो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में तो जल में स्थायी होते हैं और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में जल अपघटित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम आगे भी इसकी स्टडी अपन करेंगे और आगे जाकर के इसका पूरा एक चैप्टर भी है। तो देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी के धातु आए या प्रथम संक्रमण श्रेणी के धातुएं जो होती थी, इसका नियम से लेकर जिंक तक के हम सब की बात करें तो प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुएं जो होती है वो शून्य ऑक्सीजन अवस्था में भी पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? शून्य ऑक्सीजन, जीरो ऑक्सीजन स्टेट में भी प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातु में पाई जाती है। ये जीरो ऑक्सीजन स्टेट में ये कुछ लिगेंड के साथ पाई जाती है, कुछ एक लिगेंड है और कुछ एक लिगेंड जैसे कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, इस तरह के जो लिगेंड है जो पाई एसिड लिगेंड है उनके साथ, सॉरी नाइट्रोसिल नहीं है, CPH3 है, कार्बोनिल है, यानी जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उन न्यूट्रल लिगेंड उदासीन लिगेंडों के साथ ये शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी पाए जाते हैं। कार्बोनिल के साथ प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं या संक्रमण श्रेणी के समस्त तत्व उनके बहुत अधिक यौगिक ज्ञात है, बहुत सारे यौगिक हैं। तो मेटल प्रथम संक्रमण श्रेणी के धातु या मेटल और कार्बोनिल के साथ बने हुए यौगिक मेटल कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं और ये मेटल कार्बोनिल यौगिक होते हैं, इनमें इनकी ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतया जीरो ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाते हैं, शून्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इन ऐसे यौगिकों ये मेटल जो होती है वो और दूसरा होता है लिगेंड, दूसरा क्या होता है लिगेंड और ये क्या होती है धातु। मेटल और लिगेंड के मिलने से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, क्या बनते हैं? संकुल यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं? संकुल यौगिक बनते हैं। ये जो संकुल यौगिक जो होते हैं इनमें मेटल की सामान्यतया ऑक्सीकरण अवस्था, जब ये लिगेंड क्या हो, कार्बोनिल हो, CO, तो M प्लस CO मिलकर के M CO का होल है, ये CO कितने भी हो सकते हैं, मिलकर के यहां पर ये जीरो ऑक्सीजन स्टेट, जीरो ऑक्सीजन स्टेट में पाया जाता है, सामान्यतया जीरो ऑक्सीजन स्टेट में पाया जाता है, ये बात हमेशा सत्य नहीं है लेकिन सामान्यतया जीरो ऑक्सीजन स्टेट में पाया जाता है। इसमें इस प्रकार के संकुलों में जो धातु होता है, धातु नहीं होती, सॉरी जो मेटल जो होती है धातु जो होती है, ये सिग्मा एसेप्टर और पाई डोनर की तरह से काम करती है, सिग्मा एसेप्टर और पाई डोनर की तरह से काम करती है, और ये सिग्मा डोनर और पाई एसेप्टर की तरह से काम करता है। ये सिग्मा डोनर पाई एसेप्टर या पाई डोनर और सिग्मा एसेप्टर क्या होते हैं ये बात हम अभी देखना चाहते हैं और देख रहे हैं। देखिए, जो मैंने अभी देखा उसका तात्पर्य ये है कि एक लिगेंड एक धातु है और धातु के पास क्या होगी, डी कक्षक होंगे, धातु के पास क्या होंगे, डी कक्षक होंगे, ये डी कक्षक इसके पास कुछ डी कक्षक खाली होंगे और कुछ डी कक्षक भरे हुए होंगे। कार्बोनिल के पास ये भरा हुआ, कार्बोनिल में कार्बन का संकरण जो होता है वो HP हो रहा है, तो ये HP संकरित भरा हुआ
फ्रक्शन, ये क्या है एसपी संतुलित भरा हुआ कक्षक। इसके पास ये एसपी एंटी बॉन्डिंग होगा, ये होगा खाली कक्षक। ये जो मेटल है, इस मेटल के पास ये कक्षक जो होगा ये खाली कक्षक, या जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। मेटल के पास ये कक्षक ऐसा भरा हुआ है जिसपे एक इलेक्ट्रॉन, तो देखिए ध्यान से देखिए, दोबारा से देखा इसको, हम कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे। मैंने वो जो डायग्राम बना दिया था, वो भरा हुआ जो दिखा दिया था, वो नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में दिखा दिया था। अभी हम कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ध्यान दें, ये कार्बोनिल लिगेन है, तो इसके पास ये एसपी भरा हुआ कक्षक, संकृत एसपी संकृत कक्षक का भरा हुआ जिसमें दो इलेक्ट्रॉन। मेटल के पास ये खाली कक्षक है, ये कौन सा है, रिक्त डी कक्षक। मेटल के पास कुछ भरे हुए कक्षक भी होंगे, ये क्या है भरा हुआ डी कक्षक, ये है भरा हुआ डी कक्षक। देखिए मेटल ने क्या किया, जैसे लिगेंड मेटल के पास आया, लिगेंड ने अपने भरे हुए कक्षक से दो इलेक्ट्रॉन मेटल को दिए, और मेटल ने अपने खाली कक्षक में उपयोग किया, और मेटल और लिगेंड के बीच में ये बॉन्ड बन गया। कैसा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, दो इलेक्ट्रॉन इसने दिए और इसने एक्सेप्ट कर लिया, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं, और सहसंयोजक बंध भी कहते हैं। ये हम सहसंयोजक योजकों में पढ़ेंगे, तो अच्छे डिटेल से पढ़ लेंगे, उस समय समझ में आ जाएगा। आप केवल इतना सा समझ लीजिए कि इसने ये दिया और यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन गया, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिए और मेटल ने अपने खाली कक्षक का उपयोग किया, और दो इलेक्ट्रॉनों से सिग्मा बॉन्ड तो बन गया। अब जैसे ही लिगेंड ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, वैसे ही मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ने के कारण यहाँ पर इसका पार्शियली ऋणावेश आ जाता है, यानी कि बहुत कम ऋणावेश आ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये अनस्टेबल महसूस करता है, और ये कोशिश करता है कि वो ऋणावेश कम हो जाए। तो उसके लिए ये अपने भरे हुए डी कक्षक में से यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन खाली पाई एंटी बॉन्डिंग, खाली कक्षक है जो पाई एंटी बॉन्डिंग है, तो खाली पाई एंटी बॉन्डिंग जो कक्षक है उसमें ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। कौन, मेटल। देखिए दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ कि सीओ के पास ये भरा हुआ कक्षक है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें इसके खाली डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन दिए और ये कोऑर्डिनेट हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये जैसे इसको दिया वैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, बढ़ने का थोड़ा सा अनस्टेबल महसूस करता है, और अपनी स्टेबिलिटी के लिए वापस इसके खाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉन देता है, जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं बैक बॉन्डिंग। और इसको हम पाई बॉन्डिंग भी कहते थे, क्या कहते हैं, पाई बॉन्डिंग भी कहते थे, क्योंकि ये दोनों कक्षक एक दूसरे के समांतर होते हैं, और समांतर कक्षकों में जब अतिव्यापन होता है तो पाई बंध बनता है, और ये दोनों कक्षक एक दूसरे के क्या है, एक ही लाइन में है, लीनियर है। जब लीनियर अतिव्यापन होता है, लीनियर अतिव्यापन होता है, तो वहां पर सिग्मा बंध बनता है, इसलिए इन्हीं अतिव्यापन से सिग्मा बंध बना है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है, इसलिए इनके अतिव्यापन से क्या बनता है, पाई बंध बनता है, इसलिए हम इसको पाई बॉन्डिंग भी कहते हैं। यानी कि मेटल ने वापस इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए क्या हुआ, बैक बॉन्डिंग हुई है। तो हम बात करते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी यौगिक बनाते हैं, और शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक जो है वो कार्बोनाइल लिगेंड के साथ संपर्क ज्ञात है। कार्बोनाइल लिगेंड के साथ जब यौगिक बनता है, तो कार्बोनाइल लिगेंड जो है वो सिग्मा डोनर की तरह काम करता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसमें कार्बोनाइल लिगेंड डोनर की तरह काम करता है, और ये उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए हमने कहा कि ये सिग्मा एक्सेप्टर है, ये सिग्मा डोनर। उसके बाद में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो ये वापस से इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो ये पाई बॉन्ड बनता है, इसलिए इस पाई बॉन्ड के लिए हमने ये कहा कि ये इधर से इलेक्ट्रॉन, ये तो पाई बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो पाई डोनर और ये पाई एक्सेप्टर की तरह काम करता है।
तो ये थी प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के कुछ विशिष्ट गुण था और उनकी ऑक्सीकरण अवस्था है। ऑक्सीकरण अवस्थाओं में हमने सब बातें कर ली है। शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक कैसे बनते हैं, किन किन तत्व बनते हैं, नष्ट ऑक्सीकरण अवस्था में क्या है क्या नहीं, और पूरी समस्त ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायित्व में क्या फर्क पड़ता है, अम्लीय होगा तो क्या होगा, क्षारीय क्या होगा, एसिडिक बेसिक, और जो ये है इनके ऑक्साइड्स में क्या होगा, हैलाइड्स में क्या होगा, वो सभी बातें हमने कर ली। तो इसी के साथ ऑक्सीकरण अवस्था प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था समाप्त होती है। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।